किसान आंदोलन के दौरान खनौरी बॉर्डर पर एक युवक किसान की मौत का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की गई है जिसमें मांग की गई है कि युवक किसान शुभकरण का मर्डर किया गया है। ये एप्लीकेशन पर आरोप लगाए हैं एप्लीकेशन में और उसकी जांच की जाए, हाईकोर्ट से मांग है। हमारे साथ एडवोकेट हैं हरिंदर पालेश्वर जिन्होंने याचिका दाखिल की है। हरिंदर जी, आपकी याचिका में क्या मांग है? आप इसको मर्डर बता रहे हैं इस याचिका में, क्या आपकी याचिका के आगे प्रेयर क्या है, किस तरह से मांग की आप बात कर रहे हैं? जो ये शुभकरण का कत्ल हुआ है, हमने इस पर प्रेयर किया कि हमें पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसके इस कत्ल की जो जुडिशियल इंक्वायरी है वो किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से करवाई जाए ताकि सही तरह से न्याय हो सके, और इसमें हमारा जो है कि पंजाब पुलिस को डायरेक्शन दी जाए कोऑपरेट करें इसमें। इसमें जो निशान क्या बुलेट इंजरी के हैं ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस कह रहे कि कोई गोली नहीं चलाई, फायरिंग नहीं हुई, क्या कुछ एविडेंस आपने इसमें अपनी एप्लीकेशन में लगाए हैं? सर, इसमें जो वीडियोज हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि उसके सिर में एंट्री वुंड है, तो एंट्री वुंड तो बिना गोली के नहीं हो सकता। अब वो कौन सी गोली है, क्या है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। इसीलिए क्योंकि क्रिमिनल केस में जो प्रोसेस होता है वो पहले सबसे पहले FIR दर्ज होती है, और कल रात तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी, तो साफ जाहिर होता है कि जो पुलिस है वो अपने जो सेम पुलिस वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी FIR नहीं हुई है। क्रिमिनल केस में टाइम बड़ा एक रेलेवेंट फैक्टर होता है, अगर इन्वेस्टिगेशन में डिले हो उसको अक्यूज को बेनिफिट भी मिलता है, और दूसरी तरफ उनको एविडेंस टेम्पर करने का भी टाइम मिलता है। इसमें पार्टी किस किस को बनाया? इसमें जो ऑलरेडी रिटपिटेशन चल रही है हमने उसी में एप्लीकेशन लगाई है, उसी में हम इंटरवीनर के तौर पे पढ़े हैं, तो उसमें जो पहले से पार्टी है, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, DGB सब उसमें पार्टी ऑलरेडी है। आप चाह रहे हैं कि रिटायर्ड जस्टिस हाईकोर्ट डायरेक्शन दे, रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में कोई जांच कमीशन बने जो जांच करे? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये चाह रहे हैं, हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है, पंजाब पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अभी इतना ज्यादा एग्रेशन हुआ, पंजाब पुलिस पंजाब की जुरिस्डिक्शन में आके हरियाणा पुलिस ने नेशनल हाईवे ब्लॉक किया, इतने पैलेट फायर किए। आपको याद होगा 2017 में कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडिस्क्रिमिनेट पैलेट गन यूज नहीं करनी, उसके बावजूद इतने हमारे किसानों के ऊपर जो पैलेट यूज किए, आज तक ना तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ना ही DGP पंजाब, ना ही मुख्यमंत्री पंजाब की तरफ से किसी भी किस्म का कोई ऑफिशियल प्रोटेस्ट जो है वो हरियाणा सरकार को कहा गया है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट आर पीपल, तो हम इसलिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाया क्योंकि हमारे को हाईकोर्ट के अलावा और किसी से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इस पे अब सुनवाई 29 को होगी क्योंकि बाकी जो पिटीशन हैं जो PIL चल रही हैं वो भी इसी के साथ, ये मोस्ट लाइकली 29 को आएगी, उसी के साथ बाकी की सुनवाई होगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे एडवोकेट हरिंदर पालेश्वर, जो शुभकरण जो एक युवा किसान जिसकी मौत हुई है खनौरी बॉर्डर पर, ये एप्लीकेशन में इन्होंने कहा है कि उसका मर्डर है और इसकी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जुडिशियल इंक्वायरी की मांग को लेकर ये एप्लीकेशन दाखिल की गई है। इस पर 29 फरवरी को सुनवाई होनी है। वीडियो जर्नलिस्ट सनम के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।